दोस्तों, जब से ट्रांसपोर्ट टीवी शुरू हुआ है, हमने एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बार बार ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जगाने की कोशिश करी है कि एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उसमें मुनाफा जो है वो बढ़े। और वो मुद्दा है जो गाड़ियों के अंदर अनलोडिंग में देरी होती है, डिटेंशन चार्जेस की बात या रिटेंशन चार्जेस की हम बात करें, उसका मुद्दा हम बार बार उठा रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि जो ट्रेड है, ट्रेड की एसोसिएशंस हैं, उनको ये बात सीरियसली लेनी पड़ेगी कि जो गाड़ियां अनलोड नहीं होती हैं टाइम से 4-5 घंटे के बाद या चलो 12 घंटे के बाद भी लगा लो, तो उसको रिटेंशन चार्जेस मिलने चाहिए। हालांकि 14 अगस्त 2021 को एक ऐसा सर्कुलर जारी किया गया था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा, और बकायदा रेट भी तय किए गए थे कि पर डे के हिसाब से इतने डिटेंशन चार्जेस का नाम इन्होंने दिया था कि मिलने चाहिए किसी गाड़ी को। लेकिन रियलिटी ये है कि इसका कोई असर व्यापारियों पर या कंसाइनर कंसाइनी पर नहीं हो रहा। आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि एक देश की जानी मानी FMCG कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड, उनके प्लांट के अंदर क्या हाल है, वहां पर किस तरीके से जो गाड़ी ड्राइवर है उनको अपना हक लेने के लिए वहां पर एजिटेशन करना पड़ रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात की गाड़ी है दोस्तों, रमेश इसके ऊपर ड्राइवर हैं, जगदीप बिश्नोई गाड़ी के मालिक हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। मुंबई से ये गाड़ी 7 अक्टूबर को लोड लेकर गई थी। LLP नाम का कोई केमिकल इसके अंदर था, लाइट लिक्विड पैराफिन ऑयल इसे बोला जाता है। वो 7 अक्टूबर को लेकर 15 अक्टूबर को ये गाड़ी पहुंच जाती है असम के तेजपुर में। वहां पर डाबर इंडिया का बहुत बड़ा प्लांट है, काफ़ी मॉडर्न प्लांट इसे बोला जाता है। लेकिन 15 अक्टूबर को ये गाड़ी पहुंचती है और जाकर अनलोड होती है 29 अक्टूबर को। पूरे 14 दिन बाद ये गाड़ी वहां पर अनलोड होती है। आप देखिए, 8 दिन में गाड़ी पहुंच जाती है और 14 दिन अनलोडिंग के लग जाते हैं। अगर इस गाड़ी को सेम डे अनलोड कर दिया जाता तो अब तक शायद ये एक चक्कर और लगा लेती है गाड़ी। और आप देखिए कि वो जो ये चक्कर किसी भी भाड़े पर ये क्यों ना आए हों, अगर 14 दिन उसकी वेटिंग है तो 1 रुपया भी गाड़ी मालिक उसमें कमा नहीं सकता। ये बिल्कुल बात क्लियर है। हम सब जानते हैं कि गाड़ियों की किस्तें आज की डेट में 30,000 से लेकर 70-80,000 रुपये महीना तक गाड़ियों की किस्तें हैं, और अगर एक चक्कर में 14 दिन वेट करनी है अनलोडिंग के लिए तो इस हिसाब से तो पूरे महीने में 1 या 2 चक्कर ही लगेंगे। ये हालात इतने ज़्यादा गंभीर हैं और इतनी बड़ी कंपनियों में ये हो रहा है। और इस केस में हुआ ये कि 14 दिन बाद जब रमेश जो ड्राइवर हैं उन्होंने डिटेंशन चार्जेस की वहाँ पर बात की तो उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। रमेश का जो गुस्सा था वो इसलिए भी ज़्यादा हो गया कि रमेश का कहना ये था कि काफ़ी गाड़ियों को ये डिटेंशन चार्जेस दे भी देते हैं, एक कोई स्लिप है जब वो निकलते हैं बाहर शायद उसके ऊपर लिख देते हैं कि गाड़ी इतने दिन तक खड़ी रही, और फिर वो शायद पैसे बाद में, क्योंकि रेगुलर लगी हुई है ये गाड़ियाँ, तो बाद में शायद वो डिटेंशन चार्जेस इनको दे दिए जाते हैं। लेकिन इस केस के अंदर रमेश की जो गाड़ी थी उसको वो लिख कर भी देने को तैयार नहीं थे कि ये गाड़ी 14 दिन तक वहाँ पर खड़ी रही है, और इसी वजह से गुस्से में आए रमेश ने अपनी गाड़ी को डाबर इंडिया के गेट पर लगाकर वहां पर रास्ता जाम कर दिया और वहां पर एजिटेशन करने लगा, धरना मार दिया वहां पर ये कह सकते हैं, और पूरा रास्ता वहां पर बंद कर दिया। हाहाकार मची, वहां पर उनके गार्ड्स आए, डंडे आप देख सकते हैं मारकर उसको गाड़ी से उतारने की कोशिश की गई। लेकिन रमेश का ये कहना था कि मेरा हक बनता है, 14 दिन तक मेरे मालिक की कहां पर गाड़ी खड़ी है और एक पैसा भी आप डिटेंशन चार्जेस देने को तैयार नहीं हो, इस तरीके से कैसा काम चलेगा, और मुझे भी अपने मालिक को जवाब देना पड़ेगा इसके बारे में, तो मुझे पहले मेरी पर्ची पे डिटेंशन चार्जेस के बारे में लिख के दीजिए, उसके बाद ही मैं गाड़ी वहां से निकलवाऊंगा। बोली बंद।
और जैसे कि तमाम अनलोडिंग के केसेस में मैं जरूर चर्चा करता हूं बीच में जो बुकिंग एजेंट्स हैं उनकी, कि उनका रोल क्या रहता है। इस केस में जो बुकिंग एजेंट को फोन किया गया तो उसका कहना था कि हाँ गाड़ी अनलोड हो जाएगी जब उनके पास जगह होगी। बस इस लेवल की सपोर्ट होती है बुकिंग एजेंट्स की इन केसेस के अंदर। और कहने का मतलब ये था कि क्यों अनलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि डाबर इंडिया में उस माल को अनलोड करने के लिए गोडाउन खाली नहीं था। इसीलिए मैं ये टर्म यूज़ करनी शुरू करी 3 साल पहले कि आपकी गाड़ियों को गोडाउन बनाया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। आपकी गाड़ी को एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो यूज़ करते ही हैं, उसके बाद 14 दिन तक उसको गोडाउन बनाकर वहाँ पर रखते हैं, ऐसा गोडाउन जिसका कोई भाड़ा भी नहीं दिया जाता है। तो अगर गोडाउन खाली नहीं है तो इसका जिम्मा गाड़ी मालिक का या गाड़ी ड्राइवर का थोड़े है, वो व्यापारी का है। अगर गोडाउन खाली नहीं था माल भी नहीं मंगाना चाहिए। लेकिन वो जो समीकरण है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्यापारी और दूसरी तरफ जो गाड़ी मालिक है, वो समीकरण इतने ज़्यादा ऊपर नीचे हो चुके हैं कि गाड़ी मालिक या गाड़ी चालक की जो है सुनवाई ही नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है एक लेवल के बाद विरोध करने की। बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे तो वो बोलेंगे ठीक है जी, हम किसी और से काम करा लेंगे, आप चलते बनो। इस केस में भी शायद यही हुआ। उसके बाद गाड़ी मालिक से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि शायद पर्ची वगैरह पे तो लिख दिया है लेकिन पेमेंट वगैरह कोई भी नहीं मिली है। उनका कहना था कि हमें लगातार इनके साथ काम करना है तो हम झगड़े को एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने ड्राइवर को फ़ोन करके कहा कि तुम अपनी गाड़ी वहाँ से हटा लो, तो रमेश ने अपनी गाड़ी वहाँ से हटा ली। और आप देखिए कि जब रमेश ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद भी एटीट्यूड देखिए, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ऑफिसर आ गया और उसने आके उनसे बातचीत कही हो कोई तमीज़ के साथ, सीधी गालियाँ बकनी शुरू कर दी, डंडे दिखाने शुरू कर दिए जैसे कि उसने कोई क्राइम कर दिया हो। भाई अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो कंपनी की तरफ से हुआ है कि एक गाड़ी को 14 दिन तक आप वहां पर खड़ा रखते हैं और एक पैसा भी उन्हें देते नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक रिक्शा हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो या कैब वाले हो, कैब में तो ओला उबर में तो आज की डेट में मिनटों के हिसाब से आपको वेटिंग चार्ज देने पड़ते हैं। अगर आप कहीं पर रुक गए हैं या फिर इवन ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई है, उसके पैसे भी जो है यात्री देता है। और इन केसेस में आप देखिए कि 25-25 लाख के, 35-35 लाख के ट्रक हैं और किस तरीके से 14 दिन तक उनको कंपनियों में खड़ा रखा जाता है बिना एक पैसा दिए। यही बता देता है पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर की कहानी हमारे देश में इस समय क्या है और क्या हालात हैं गाड़ी मालिकों के। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे आप डीजल के रेट कम करा लीजिए, चाहे टोल फ्री करा लीजिए, जब तक ये जो डिटेंशन चार्जेस आपको मिलने शुरू नहीं होंगे गाड़ी मालिकों को, तब तक ये धंधा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और इसमें सिर्फ गाड़ी मालिकों का नुकसान नहीं है, गाड़ी ड्राइवरों का बहुत बड़ा नुकसान है। कहने का मतलब यह है कि ड्राइवरों को भी आज की डेट में चक्कर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं ज़्यादातर मालिकों के द्वारा। जब चक्कर ही नहीं लगेगा तो ड्राइवर को भी पैसे कहाँ से बनेंगे। तो बहुत बड़ा नुकसान ड्राइवरों का और गाड़ी मालिकों का हो रहा है। सिर्फ सर्कुलर जारी करने से कुछ नहीं बनेगा, AMTC को और जो भी अन्य संस्थाएं हैं कोई बड़ा एक्शन इसको लेकर लेना पड़ेगा। बार बार हमने ये भी सजेशन दिया है कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं उनको, जो व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है कैट, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। दोस्तों आपकी क्या राय है, किस तरीके से ये डिटेंशन चार्जेस मिल सकते हैं आपको, क्या करना चाहिए ट्रेड को, आप लोगों को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी, मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन, और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट।